Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ऑडियो रिएक्शन टीवी उर्दू के माध्यम से मैं पढ़ रही हूँ। मैं सफिया शेख बात कर रही हूँ। मेरे जितने भी हीरा फैमिली के लोग हैं, जितने भी मेरे आलिमा डॉक्टर नवेरा शेख को चाहने वाले हैं, आप सभी को मुबारकबाद मैं पेश करती हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिला, कल मेहमान थे मेरे यहाँ, इसलिए कल से मेरे को बेचैनी है। अभी भी आने वाले हैं मेहमान, तो इसलिए मैं बोली इन लोग आने से पहले ऑडियो मैं भर देती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी बच्चे लोग हैं, जितने भी सब्र करे अल्लाह ताला के ऊपर एक बार करे और आयते करीमा पढ़े, नमाज पढ़े, मुसलसल नमाज में कायम रहे, आज अल्लाह ताला ने उसी का नतीजा दिया है। आज हमारे सब्र का भी फल दिया है। ये जो दुश्मन लोग हैं, हीरा ग्रुप के जो दुश्मन लोग हैं, इन लोग का मुँह काला हो गया। अभी तक इन लोग खुशी मना रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, कंप्लेनर को पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये सब बकवास बातें थे। हम तो शुरू से बोलते आए हैं जो कंप्लेंट लिखा है ना, मैं तो यहाँ तक कि मैं हाथ तक जोड़ी कि कंप्लेंट वापस ले लो, जब तो चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी। ये शैतान खान को भी नाम लेके उसका बोली थी, शहबाज भाई मैं आपके हाथ जोड़ती मत कंप्लेंट कराओ, क्योंकि वो लोग बेचारे लोग पैसे के आस के हमारे करेंगे कंप्लेंट, लेकिन उन लोग को आगे भारी पड़ेगा। आज क्या हुआ, आज दो जज के बेंच के ऊपर अपने फाइल रखे, दो जज के हक में फैसला है ये। आज पूरे केस एक जगह हो गए। अभी जो एफ आई आर लिखाने की जो धमकी देते थे ना हमारे हीरा ग्रुप के जो दुश्मन लोग हैं, घड़ी घड़ी धमकी देते थे, ये तारीख को अगर तारीख के ऊपर फैसला नहीं आया तो हम कंप्लेंट लिखाएंगे, वो तारीख के ऊपर नहीं आया तो हम कंप्लेंट लिखाएंगे, 7 अगस्त को लिखाएंगे, बकरा ईद के बाद लिखाएंगे। हाँ, ये हमारे को पैनिक करते थे, हम इन्वेस्टरों को जो हम सब्र करके बैठे हैं हमको पैनिक करते थे, और ऊपर से इतने बड़े बड़े हाजी लोग हाज करके आते और पब्लिक को झूठ बात करके पैनिक करते। और ये शैतान को तो क्या है, इन लोग की नज़र नवेरा पा आलिमा डॉक्टर नवेरा शेख की प्रॉपर्टी पे थी कि जहाँ से जितने अपने से पैनिक हो सकते उतना करो, क्योंकि इसने हर जगह दुकान खोला था अपनी, कानों में ढक्कन आँखों पर पर्दा लगाया है सबने। हाँ, सब कानों में ढक्कन आँखों पर पर्दा लगा के इसकी बात सुन रहे थे। ये अपनी दुकान चला रहा था, हर स्टेज में इसने अपनी दुकान खोल के रखा था। हाँ, पब्लिक को भड़काओ, कंप्लेंट लिखाओ। हाँ, अभी उसका क्या है, उसका जेब तो गर्म हो रही है। और आलिमा डॉक्टर नवेरा शेख जितने दिनों जेल में रहेंगी तो इन लोग उनके प्रॉपर्टी औने पौने भाव में बेच के कंप्लेंट का पैसा क्या देंगे, जिसका 1,00,000 रुपया उसको 5,000 भी नहीं मिलेगा। इन लोग की नीयत ऐसी थी, इनका जो मंसूबा था ना वो मंसूबा फेल हो गया। अभी ये लोग क्या करेंगे, अंदर कुफे में रह के काम करेंगे। इन लोग की तो नाक कट गई, सामने तो नहीं आएंगे, इन लोग का पर्दाफाश हो गया है। और जितने भी मेरे कंप्लेनर लोग हैं उन लोग ने इनके ऊपर भरोसा करे। आज हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, उन लोग की अक्ल नहीं थी कि इतने लोग हैं हीरा ग्रुप में जिसने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया। हम लोग एक पर्सन ने करे तो इसके इन लोग को जब भी ले लेना मांगता था। आज कितनी उन लोग को भी परेशानी होंगी जो कंप्लेंट किए, आज हम लोग भी परेशान हो गए उनके तरफ से। लेकिन हम लोग बोले ना, हमारा ईमान मजबूत है, हमारे पे अल्लाह पे हमको भरोसा था, आलिमा डॉक्टर नवेरा शेख पे भरोसा था। मैं तो 2017 के इन्वेस्टर थी, फिर भी मैंने उनके ऊपर भरोसा करी। मेरे घर वाले 2018 के थे, फिर भी अल्लाह के बाद उन पर भरोसा करे। नई वो औरत शक्ल से अच्छी दिखती है, उनकी सूरत कितनी नूरानी है, कितनी आलिमा डॉक्टर नवेरा शेख की सूरत, इतनी उनके चेहरे के ऊपर कितना नूर है। हम तो उनका चेहरा देख के ही अल्लाह पे भरोसा कर दिए थे कि नहीं, ये औरत वैसी नहीं है। और शुरू से आखिर तक हम लोग एक ट्रक पे रहे और एक ट्रक के ऊपर ही हम रहे। हाँ, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये अभी तो मेरे को नहीं लगता है कोर्ट की तारीख अभी हम लोग को जाना पड़ेगा। क्यों, अभी एक जगह केस हो गया है अभी सुप्रीम कोर्ट में। अभी इंशाल्लाह, अभी मैं बताई थी इसके पहले ऑडियो में भी कि 1 तारीख तो पढ़ेंगी, 1 से 2 तारीख पढ़ेंगी या 3, उसके अंदर ही फैसला होके आलिमा डॉक्टर नवेरा शेख बाहर आ जाएंगी। ये शैतान ने तो और अभी 4 दिन पहले बोला केरला में कंप्लेंट लिखाओ, इनको केरला लेके जाओ। देखो अल्लाह ने बता दिया, समझे, जितना हमारे लीगल टीम को मेहनत करना था करे, आखिर में देखे नहीं हुआ तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करे और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खड़े करे। यहाँ के वकील नहीं खड़े रह सकते, हर सुप्रीम कोर्ट के अलग वकील रहते हैं।
चलो हमारे हक में फैसला आया, हम लोगों ने सब्र करे और सब्र करेंगे। अलीमा डॉक्टर नवेरा शेख के साथ में इंसाफ होना है और इनके साथ में हम आखिरी तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारे जितने भी फाइटर लोग हैं, जितने भी हमारे ग्रुप में हमारे अलीमा डॉक्टर नवेरा शेख को चाहने वाले हैं, उन सबको मैं सलूट करती हूँ और सलाम करती हूँ। क्या आप लोगों ने भी हमारा साथ दिए, अलीमा डॉक्टर नवेरा शेख की तरफ से खड़े रहे और हमारे जितने भी माँ बहन बेटियाँ बच्चे लोग जितने भी सब्र करके घर में नमाज पढ़ते रहे, आयते करीमा पढ़ते रहे, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ, हमारी एक की जीत नहीं है, हमारे पूरे ग्रुप की जीत है, अलीमा डॉक्टर नवेरा शेख की जीत है। और ये शैतान लोग अभी भी भड़काएंगे क्योंकि वो लोग बेशरम लोग हैं, उन लोग को शर्म नहीं है। अब गाली से बात करेंगे मेरी जबान खराब होती। हाँ, अभी भी वो लोग बोलते नहीं हमारी शान बड़ी है। अभी भी देखो कल की चुवा मीटिंग में वो खरखरा बुड्ढा वापस से गाली दिया, क्यों बोलते ना खिशानी बिल्ली खम्बा लोचे, वो गत कर रहे लोग अभी अभी भी मीटिंग जमा रहे, अभी भी चार पांच जन को लेके मीटिंग जमा रहे और पैनिक कर रहे। मगर अभी जितने भी मेरे कंप्लेनर भाई बहन है, जितने भी मेरे बच्चे लोग हैं, आप लोग अभी भी समझ जाओ शैतान ने क्या वादा करा था, आपका चार दिन में पैसा दिलाऊंगा, कंप्लीट करो बोले आप लोग, आप पीछे मत हो, FIR करो बोले। हाँ, जब FIR करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अरे वो कौन साजिया कौन है नाला सुपारा की, चलो उसको दिलाया तो क्या हो गया, सब सब उसके लालच में आ गए। मेरे को लगता है इसने दिलाया होगा पैसा, इसने अपने पास का दिया होगा, समझे। मगर वो कंप्लेनर को आज दिला के उसने ये कर दिया। और अभी झूठी खबर फैलाया था, पहला कंप्लेनर का पैसा मिलेगा, नवेरा पर जमा करने वाली मतलब कंप्लेंट वाले को देंगे पैसा, बाद में नॉन कंप्लेनर को देंगे। अरे वैसा हो ही नहीं सकता, कायदे कानून भी हम थोड़ा हम भी जानते हैं। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, समझे। शुरू से ये शैतान झिंगूर ये कमीने कुत्ते लोग के ऊपर मैं ये टारगेट करते आई हूँ। और इंशाल्लाह अभी और कुछ बोलेंगे तो मैं बराबर टारगेट करूँगी, समझे। जितने भी मेरे हीरा फैमिली के लोग हैं, आप सभी को मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। और दुआ में याद रखना और ज़िक्र पे अल्लाह का नाम रख लेना। चलो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।